हेलो तो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस यार, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे और मज़े में होगे। तो आज हम एक और वीडियो के साथ हाजिर हो चुके हैं, जो कि होने वाली है डकी बाइक की, जिस पे आज हमने रिएक्शन देना है। वीडियो को लास्ट तक देना है, वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाकर आज पे क्लिक कर दो। वीडियो को लाइक करके शेयर भी हर एक को कर दो। जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस यार, अभी शुरू होने लगी है, डकी भाई का एक न्यू व्लॉग आ चुका है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज वाले भी उनके व्लॉग को, और उसके भी देते हैं जल्दी से रिएक्शन और थोड़ी बहुत रोस्टिंग। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओए ओए ओए, ये सामान के इकरा आप घर छोड़ के जा रही हो इतना? दो दिन के लिए हमने ट्रिप पे जाना था यार। है यार, ये मेरे ख्याल से कोई काला जादू हुआ है, किसी ने कोई ना स्पेल मारे यहाँ पे। ये देखो, चलो इतना फटाफट आके जाके देख क्या है क्या। यार ऐसे कौन करता है? तुम थक गए हो यार बड्डी, तो ड्राइवर फॉर्च्यूनर है, ये कोई वो डॉजिंग कार नहीं है जो तुम ड्राइव कर लो। अभी हम लोग पहुंचे हैं बीसी मार्ट पे, ठीक है। जितने भी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाते, उनकी जो है ये फेवरेट जगह बीसी मार्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं भी सारे कमरे देखूंगा, उसमें सबसे बेस्ट होगा वो मेरा कमरा होगा। रूम कब्जा कर लो फटाफट। यार ये कौन करता है? देखना भी। ये वीडियो के मतलब एक मिनट तकरीबन यहाँ पर ही गुजर चुका है, तो चेक कर लो कितनी लंबी करते हैं वीडियो। हम लोगों को आउट ऑफ सिटी जाना है, कुछ काम भी था और मैंने कुछ शुगर मिला भी लग जाएगा। वैसे भी हम लोग जो है बड़ा टाइम हो गया किसी लॉन्ग ट्रिप पे नहीं गए, कुछ लॉन्ग ड्राइव पे। आज हम लोग फाइनली अपने फॉर्च्यूनर लेजेंडर को थोड़ी हवा लगाएंगे कि यार जरा लाहौर से बाहर भी जाके देखे। पैकिंग पहले पॉकेट में पैक की हुई है, बैग पैक हो गया, ठीक है हमारा रहता है। मैंने कहा तो पहले हम लोग यही करेंगे, कप शप लगाएंगे, फिर अपना काम करेंगे भाई। तो शीशा तुमने यहाँ पे इतना बड़ा सा रख दिया, इसको साइड पे नहीं करना तुमने, बस है बंदा खबर उतार है। मेरा अभी मेरी सुबह टिंड लगी थी भाई, मैं यहाँ पे चुपचाप सोया था, मैं उठाऊं और मेरी स्टार करके टिंड लग। मुझे लगा कहने लगे मैं यहाँ पे सोया था चुपचाप करके उठाऊं और सामने जिन नजर आ गया मुझे। आकर आई फिर चोरी करके अपने पास रख लिया कि साथ भूल भाल जाएगा और तुम बाद में जो है उसको इस्तेमाल करो या तो बेच दो। बस तो प्लान है, इसके अंदर नहीं होती, ये भारी है, इसके अंदर है, इसी में होगा शायद। उठाया नहीं जा रहा है बैग। यार डक भाई क्या हो गया, इतना खाते हो फिर भी नहीं करते उठाया जाता। उठाया नहीं जा रहा। चलो जी, तो ट्राउजर जो है हम लोगों ने निकाल लिए है, ठीक है। मेरे ख्याल से दो बहुत है, हमने जाना वैसे दो दिन के लिए है, मेरे ख्याल से दो शर्ट दो ट्राउजर बहुत है। स्वेटर हॉट बॉय को किसी स्वेटर की जरूरत है? मेरे जैसे हॉट बॉय को तुम्हें लगता है कि ठंड लगती होगी? यार ठंड मुझे छू के चली जाती है भाई, ये क्या है? डके भाई के पॉकेट ही बहुत बढ़िया, आप उसमें रख दें। दो तीन और रखनी है यार, मेरे बैग में कोई जगह नहीं है भाई। प्लीज यार, मेरे बैग में बिल्कुल जगह नहीं है। गाड़ी में वैसे रख लेना यार, ये बैग बुक में ना रखो। अरे से चल यार, चलिए भाई, ये रखा है जी। चलो जी, चलो हम निकल रहे हैं, चार के दो चार दिन तक वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे पता नहीं लगता आके मिल रहा है या जाने के लिए मिल रहा है। बैठे होते हैं, चंड मार देनी है मुझे भाई,
इतना हम लोग लेट हो गए हैं भाई, हमने 2 बजे निकलना था और माशाल्लाह से 6:17 हो रहे हैं भाई। क्या बात है सर, तो भी इकरा लोगों की तरफ जा रहे हैं, ठीक है उनको पिक करना है क्योंकि वो साथ ही आ रहे हैं। पहले हम लोग सोच रहे हैं कि यार 2 गाड़ियों में जाएं, मैं कहा एक ही गाड़ी में चलते हैं, शोर मेला लगता रहेगा साथ साथ। अभी हम लोग जा रहे हैं, कुछ सिराया तो नहीं ना आसमान सारा पकड़ लिया? बस वही सोच रही हूँ, कुछ भी नहीं। हम कौन सा आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, ले लेंगे वहाँ से, टेंशन ना लो। अभी गरीब लोगों की तरफ पहुंचे, फिर मिलते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताएं क्या हाल चाल है? मैं अल्लाह का शुक्र। यार यार ये कौन है टक्की भाई यार, इतना लेट करवा रहा है, कभी कह रहा है कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, कभी कह रहा है 5 मिनट में आ रहा हूँ। कौन है टक्की भाई यार, इकरा बताओ यार। 2 बजे जा रहा था टक्की भाई के साथ, टक्की भाई के साथ हमें 2 बजे निकलना था, और टक्की भाई ऐसी भी कर दी। 7 बजे ये देखे, मैं पूरी तैयारी के साथ, मैंने कहा स्नैक्स भी लाइए, स्नैक्स सब कुछ लेकर। ये सामान इकरा आप घर छोड़ के जा रहे हो इतना? 2 दिन के लिए हमने ट्रिप पे जाना था यार, है घर छोड़ के जा रहे हैं। आओ जी, चलो जी सामान समूह रख लिया, लेट्स गो भाई। तो हम लोग निकल चुके हैं, हमने रोशनी में निकलना था, अंधेरा हो गया और अब हम शायद अंधेरे में ही पहुंच गए। ये कोई डक्की भाई था जो कहता है कि 2 बजे निकलना है, डक्की भाई ने टट्टी भाई है निकल के कह रहे हैं अंधेरा हो गया। ये डक्की भाई को आज की बार ट्रिप पे नहीं लेके आना यार, है उसका कुछ है ही नहीं यार, कोई सर पे दीनी माने उसका यार, हमें उनके बगैर हम एंजॉय नहीं कर यार। लेकिन कोई दीनी माने नहीं, वो कहते 2 बजे निकलना, फिर वो शाम को आ रहे, कोई आदत हो गई यार। अंधेरे में ही निकलना था, अभी भी अंधेरे में निकलना, आज के बाद डक्की भाई को मिस करा देना भाई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग टक्की भाई कोली कराएंगे, उसको जो है ना हम लोग आज के बाद ट्रिप नहीं लेके आना, लेंगे नहीं यार, दिन में निकलेंगे, दिमाग का है नहीं, उसने हमारी सारी वही खराब कर दी है, हमारा ट्रिप खराब कर दिया, हमारी सारी वही खराब कर दी है, हमारी सारी ट्रिप खराब कर दी है, हमारी सारी वही खराब कर दी है डिकी भाई ने। रोड नजर आ रही है ना, तो कुछ दरख्त नजर आ रहे हैं, व्यू देखते ना मजा आता। खैर कोई नहीं, मोटरवे पे हम लोग चढ़ चुके हैं, सही है, और अब तुम लोग को जो है ना सीधा डेस्टिनेशन पे पहुंच के मिलेंगे। A few moments later. भाई ये देखिए हम लोग ड्राइव करते करते कहाँ आ गए हैं भाई, जहन्नुम में आ गए हैं। दरख्त के पीछे देखें, आग लगी हुई है भाई, यार ये मेरे ख्याल से कोई काला जादू हुआ है, किसी ने कोई ना स्पेल मारा है यहाँ पे, ये देखो जाओ इतना फटाफट आगे जाके देख क्या है, क्या मुझे लग रहा है कि कोई चीज लिखा हुआ, लेकिन ये मेरे ख्याल से कोई ना कोई हो सकता है यार। मेरे ख्याल से हम यहाँ पे करंट टाइम आया, हम पागल हो रहे हैं यार, ये कौन ऐसे रास्ते में उतरता है, ये वो लोग हैं उनको जहन्नुम की आग में फेंक दिया जाएगा जो सब्सक्राइबर के बेल आइकन नहीं दबाएगा। डके भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक मिनट, डके भाई ने कहा वो लोग हैं जो सब्सक्राइबर के बेल आइकन को नहीं दबाएंगे। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक नहीं किया वो भी उसी आग में जाएगा, देख लो ध्यान से देख लो भाई, देख लो, तुम लोगों को मैंने बता दिया, मैं इसलिए देख लो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, ये ना हो कल को कोई मसला हो जाए तुम लोगों के लिए यार। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है यहाँ पे, टाइम पास करना है, प्रॉपर खाना बस, ठीक है भाई एक ही बारी रोटी पाड़ लेते हैं फिर निकलेंगे आगे। चलो जी यार आओ जी, तो यार हम लोग पहुंचे इधर रेस्टोरेंट, ठीक है कि रोटी छोटी पाड़ने, ठीक है बाकी का सफर हम लोग बाद में करेंगे। अरूप मैं पता है यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ, तुम्हारे मतलब की जगह भी है ना, वहाँ पे प्ले एरिया भी है, मैं कहा तुम थोड़ा वहाँ पे कोई खेल खोल लेना, हम लोग रोटी छोटी खा लेंगे। क्या जोक मारा है ये, क्या जोक मारा है ये, तो बहुत ठंडी जूस थी, क्या जोक मारा भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो, ठीक हो, स्पेशल क्या है यहाँ पे स्पेशल? हमारा वैसे तो बारबेक्यू स्पेशल है, हाँ। भी हमारा अच्छा होता है, इसके अलावा बस कुछ स्पेशल ले आओ, कोई क्वांटिटी ज्यादा रखना, कोई चिकन चिकन कोई प्यार मोहब्बत डाल के ना है। तुम क्या खाओगी भाई? मैं सोच रही चिकन चीज नान मंगाई। अरे हम देसी रेस्टोरेंट आए, मम्मी डैडी रेस्टोरेंट थोड़ी आए हैं। तुम क्या खाओगी? मैं शवारमा। हम अरेबिक रेस्टोरेंट नहीं आए, देसी रेस्टोरेंट आए हैं। तुम क्या खाओगे? हांडी भाई, ये मेरा भाई ना, ये बात हुई जहाँ है वैसा खाना है। A few inches later. ओए, रोटी हो आगे यार, अरुण मेरे व्लॉग बनने देते हैं, उसके बाद जो है रोटी छोटी खाते हैं यार, ऐसे नहीं, मैं वही स्नैपचैट वाली लड़की बन गया हूँ जो खाने का वो स्नैप लेके जो है उसके बाद खाना शुरू। सही बात है, यही होता है, छोटे छोटे चूजों के पीसेस रख दिए इतनी बड़ी ट्रे के अंदर। साथ हमारे पास जी नान शान है भाई, कई रोटी छोटी आई हुई है, ठीक है, साथ हमारे पास ये बादामी, ये हमारे काम की चीज आई है भाई। अरे यार रोटी मजे की यार है, मजेदार रोटी मजे की, सालन का पता नहीं रोटी छोटी खा के जो है हम अपने मतलब की जगह पे आ गए हैं, यानी कि किड्स एरिया प्ले एरिया भाई, डॉजिंग कार करने लगा उनका नाम रहते, खुद ही आ गए हैं चल के पले हम। चलो एक्साइटेड यार, एक गाड़ी पे 2 बैठ सकते हैं? क्यों, आपका पेट ही बहुत बड़ा है, उन्होंने भी यही कह दिया, 2 नहीं बैठ सकते, आपका पेट ही बहुत बड़ा है। नहीं तो एक बड़े के साथ एक बच्चा हो रहा है ना सामने क्यों
बच्चे है कितने साल की हो भाई? 9 साल की हो ना तुम? मुझे ड्राइविंग नहीं आती। इसको ड्राइविंग नहीं आती ना, अब देखे ना वो, देखे ना उधर इतनी बड़ी तो जगह है, यहाँ पे दो लोग क्या, मेरा पूरा खानदान फिट आ जाए यार, बड़ी जगह है यार इसमें। जोर से टक्कर मारती है, हमें कोई मारने वाला है ही नहीं उस ग्राउंड के अंदर। मैं क्या करने आया हूं यहां पे, तुम ऐसा मारने आए हो, तुमने यहीं से बगैर ड्राइविंग के इस्लामाबाद पहुंच जाना। अच्छा कितना लोगों चार लूंगा, कितना हो गया सर? 1200 चलो निकालो पैसे तुम्हारी तरफ से, क्योंकि तुम जिद करी ना प्लेरिया जाना, प्लेरिया जाना है तो ये तुम्हारा तुम पे है, तुम पे आई है यार। जिन्होंने रोटी खाई उनके लिए फ्री नहीं होनी चाहिए डॉजिंग कार है, जिन्होंने रोटी खाई उनके लिए फ्री होनी चाहिए यार। निकल, अभी सारे अपने अपनी गाड़ियों में बैठ गए हैं, ग्रीन इसने, ये रेड पे बैठ गई है, ये ब्लू पे बैठ गया है। ओ भाई सिविक तुम्हें चलाने आती है, तुम्हें बच्चों वाली कुछ भी नहीं है, रूब एक ही पैडल होता है, इस पे पैर रखो वो ब्रेक है, हम भी अपनी गाड़ी पे बैठ जाते हैं। ओए होए 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 पिल्ली पे बैठ रहे हैं हम तो भाई साहब, डिफरेंट कार में। यार मुंह तो कोई चबला है। मजा आया। यार यार कौन करता है ऐसे, मुंह चेक कर एक मिनट, देखना पीछे करते हैं, देखना अभी देखना अभी। यार फेस चेक करो फेस। बाकी का सफर तय करते हैं भाई, आओ जी लेट्स गो, बैठ जाओ सफारी। जो है ना रास्ते में हम लोगों ने गाड़ी रुकी है, अभी भी हमारा कोई 3-4 घंटे का सफर है, तो कोई चाय शाय पीनी है किसी ने, कोई कॉफी शॉफी है? नहीं भाई कोई भी कोई कॉफी शॉफी, जूस वूस किसी ने पीना? यहाँ से जी अब आगे कर लेते हैं। यार वैसे मैं जब वीडियो देख लेता हूँ ना तो मैं पूरी वैसे देखता हूँ, आप ना किया करो मेरी वीडियो को, नहीं आगे करना मेरी वीडियो को, मैं डकी भाई के भी ना करना, ना किसी के भी ना किया करो ऐसे आगे। बात है भाई, अभी अभी जो है फ्रेश सनसेट हुआ है और ये तुम लोग देख सकते हो, ये जो पूरा विला है जो है ना, यही आपके भाई के नाम हुआ हुआ है, पूरा विला है, मारा है बस एक दो कमरे मारे हैं, पूरा विला, किचन भी, किचन भी। तो भी जो है ना किचन में डके भाई ने खाना पकाना है, टूर भी करवाते हैं भाई। भाई साहब क्या बात है जी, ये हो गया हमारा रोटी किचन, एक छोटा सा पिद्दू सा। ये जी था डके भाई का एक ट्रैवल व्लॉग, ये नहीं था यार, बंदा तो यही दिखा देता है, कोई जब पहुंच जाए तब कोई दिखा देता है कोई अच्छा सारा व्यू, बस इन्होंने ट्रैवल व्लॉग जो मस्तियां करनी है। मैं भी आइंदा से ऐसा किया हूँ, जहाँ भी जाऊँगा बीच में जहाँ पे भी गाड़ी में जो जो करूँगा बातें वगैरह जो भी करूँगा दिखाऊँगा, ठीक है? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर आल पे क्लिक ज़रूर से कर दो, जो भी मैं और अब्दुल्ला भाई चैलेंजेस करेंगे वो भी देख लो, करेंगे वो भी देखना, और जो कर लिए हैं वो भी देख लो। तो यहाँ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, आपने बहुत मज़ा किया होगा, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।